अस्सलाम वालेकुम है फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके बहुत जबरदस्त सी रेस्टोरेंट स्टाइल चाइनीज ड्रैगन चिकन की रेसिपी, बहुत ही लश्कर सुपर आसान सुपर डिलीशियस। चलते हैं हम अपनी इंग्रेडिएंट्स और कुकिंग इंस्ट्रक्शन की तरफ, बिस्मिल्लाह करते हैं। गाइस सबसे पहले हमें चाहिए बेल पेपर, तो हम लोग तीन किस्म की बेल पेपर ले रहे हैं गाइस, येलो बेल पेपर, रेड बेल पेपर और ग्रीन बेल पेपर। फिर हमारे पास एक अदद प्याज है, फिर हमारे पास लहसुन है और फिर हमारे पास ग्रीन अनियंस है। तो गाइस ये है मेन इंग्रेडिएंट्स, जो हमारे बेल पेपर्स हैं, रेड ग्रीन येलो अनियन यानी प्याज, लहसुन गार्लिक और ग्रीन अनियंस। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे इस ड्रैगन चिकन की जान है ये इंग्रेडिएंट्स गाइस। सुपर डिलीशियस सुपर आसान बहुत मजेदार किस्म की रेसिपी बन रही है, मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा। फिर हमें चाहिए गाइस कैश्यू यानी कि काजू और फिर हमें चाहिए चिकन ब्रेस्ट। तो गाइस ये भी बहुत हमारी सुपर इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, क्योंकि इनके बगैर तो मैं ये बोलूं कि हमारी ये डिश इनकम्प्लीट है। ठीक है गाइस, तो हम लोगों ने ये ले लिया, हमने इन तमाम चीजों को जो है अच्छे से वॉश कर लिया है और देख लीजिए गाइस, अब आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने इन तमाम चीजों की कटिंग कर ली है और हमने जो है वो अपनी बेल पेपर और चिकन की कटिंग सेम रखी है लॉन्ग स्ट्रिप्स में। गाइस आप लोग देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत वाइब्रेंट कलर है हमारे इस वेजीज का गाइस, बहुत ही लश्कर से जबरदस्त किस्म की हमारी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल कॉपी कैट ड्रैगन चिकन बन रही है। अब आप जो है वो बाहर से ऑर्डर करना भूल जाइए और घर पे ही बनाइए रेस्टोरेंट स्टाइल चाइनीज ड्रैगन चिकन और एंजॉय कीजिए। गाइस अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, इसमें हम मैरिनेशन करेंगे अपनी चिकन की। तो गाइस हम एक बोल ले रहे हैं, उसके अंदर हम डालेंगे अपनी चिकन की स्ट्रिप्स, देख सकते हैं आप लोग, और जो है हमने इसको लंबाई में काटा है। और अब हम चलते हैं अपनी इन चिकन स्ट्रिप्स की मैरिनेशन की इंग्रेडिएंट और प्रिपरेशन की तरफ। सबसे पहले हमें चाहिए गाइस गार्लिक पाउडर, एक चाय का चम्मच, 1 टीस्पून हम लोग डाल रहे हैं गार्लिक पाउडर। ओके गाइस, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ, जो के है हमारा ब्लैक पेपर पाउडर। ये है हमारा काली मिर्च का पाउडर गाइस, ये भी हम लोग 1 टीस्पून के करीब डाल रहे हैं। ठीक है गाइस, गाइस चाइनीज रेसिपीज तो मैं ये बोलूं कि मेरी बहुत ही फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है चाइनीज फूड, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ गाइस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, जो कि हमें डाला है चाइनीज सॉल्ट, ये भी हमने एक चाय का चम्मच 1 टीस्पून डाला। फिर हम डाल रहे हैं नॉर्मल टेबल सॉल्ट, नमक, ये भी हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून के करीब। ठीक है गाइस, अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट तरफ, जो कि हमारे इस मैरिनेशन की चाइनीज ऑथेंटिक कुजीन की जान है, ये हमारा सोया सॉस। ये हम डाल रहे हैं 2 टेबलस्पून के करीब हम डाल रहे हैं इसके अंदर सोया सॉस। तो गाइस सोया सॉस डाल दिया है, अब हम डाल रहे हैं कोटिंग के लिए हमारा कॉर्नफ्लावर। हम लोग 4 टेबलस्पून भर के डाला है हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है गाइस तो आप लोग कॉर्न स्टार्च या कॉर्न पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम तमाम चीजों को अपनी चिकन की स्ट्रिप्स को अच्छे से मिक्स करेंगे, जितने अच्छे से मैरिनेशन होगी उतनी ही लश्कर सी कोटिंग होगी, उतनी ही लश्कर हमारी चिकन बने। तो गाइस देख लीजिए हमारी मैरिनेशन अच्छे से हो चुकी है, बहुत ही जबरदस्त किस्म की फ्लेवरफुल और बहुत ही क्रिस्पी सुपर डिलीशियस सुपर मजेदार किस्म की हमारी चिकन स्ट्रिप्स बनने वाली है। आप लोग चाहें तो आप ऐसे भी चिकन स्ट्रिप्स बना के खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। गाइस अब हम इसको मैरिनेशन के लिए रखेंगे 30 मिनट से 1 घंटे तक, अगर आप लोग चाहें तो आप सारी रात के लिए भी रख सकते हैं ताकि सारे फ्लेवर जो है वो उसमें रच बस जाए हमारी चिकन स्ट्रिप्स। अब हम एक पैन लेंगे गाइस, हम 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल डालेंगे। तो एज यूजुअल आप लोग कोई सा भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं कॉर्न ऑयल गाइस। ठीक है गाइस, थोड़ा सा हमारा ऑयल गर्म हो जाए क्योंकि हमने फ्राइंग करनी है, तो आपका ऑयल जो है वो गर्म होना चाहिए, ठंडा हुआ तो हमारी चिकन स्ट्रिप्स खराब हो जाएंगी, ये बात मेरी याद रखिएगा। ठीक है गाइस, तो मैं आप लोगों को एक स्ट्रिप डाल के दिखाती हूँ, देखिए जो है गाइस कितने खूबसूरत किस्म के बबल्स बन रहे हैं, मतलब हमारा ऑयल सुपर डुपर रेडी है और बहुत ही लश्कर से बबल्स बन रहे हैं। और हम इस तरीके से देख लीजिए एक एक करके हम तमाम ड्राइव स्ट्रिप इसके अंदर डालेंगे। आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट टिप देती चलूं गाइस कि मेक श्योर कि आप लोगों का पैन आप लोगों ने स्ट्रिप से भरना नहीं है, थोड़ा कम ही रखिएगा, क्योंकि वरना क्या होगा वो आपस में चिपक जाएंगे और फिर जो है वो क्रिस्पनेस नहीं बनेगी। ठीक है, तो मेरी ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा गाइस। देख लीजिए बहुत जबरदस्त सी खुशबू आ रही है और हमने इसके अंदर अपनी स्ट्रिप्स डाल दी है। हम एक साइड से कोट करेंगे, 2 से 3 मिनट देंगे हम पर साइड, हमने इसको गोल्डन ब्राउन करना, जलाना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, मैं इसको टर्न करूंगी गाइस, देख लीजिए। और हम देख लीजिए कितने खूबसूरत तरीके से गोल्डन ब्राउन किस्म की हमारी चिकन फ्राई हो चुकी है स्ट्रिप्स की। और दूसरी साइड भी हम टर्न करके आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिए गाइस लश्कर सी बहुत ही फ्लेवरफुल बहुत ही क्रिस्पी जबरदस्त किस्म की हमारी चिकन बन रही है गाइस। इसकी खुशबू से तो मेरा किचन जो है महक उठा है गाइस। देख लीजिए हमारा ऑलमोस्ट दोनों साइडों से हमारा चिकन जो है वो फ्राई हो चुका है और देख लीजिए जबरदस्त किस्म की हमारे कलर आ चुका है हमारे चिकन स्ट्रिप्स को, सुपर क्रिस्पी सुपर डिलीशियस बहुत जबरदस्त। अब हम इसको निकालेंगे गाइस, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, देख लीजिए गाइस। और सबसे इम्पोर्टेंट बात गाइस कि हम इस चिकन स्ट्रिप्स को डबल फ्राई करेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम इसको प्लेट पर डालेंगे गाइस
अपने इन तमाम चिकन स्ट्रिप्स को आप लोग देख सकते हैं। और फिर जो है हम इसको 5 मिनट देंगे ठंडा होने के लिए और फिर हम इसको दोबारा से फ्राई करेंगे। ठीक है गाइज, तो देख लीजिए मैं आप लोगों के सामने निकाल रही हूँ इन चिकन स्ट्रिप्स को। और देख लीजिए गाइज, अब जो है हमारी चिकन स्ट्रिप्स डबल फ्राई हो चुकी है। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक। देख लीजिए गाइज, जबरदस्त क्रिस्पी किस्म की। और आप साउंड देखिए, बहुत लश पश हमारी डबल फ्राइड चिकन स्ट्रिप रेडी है। लश पश से अब हम चलते हैं ड्रैगन सॉस की प्रिपरेशन और उनकी इंग्रेडिएंट्स। गाइज हम लोग कोई भी चीज जाया नहीं करते अपनी किसी भी रेसिपी में। तो हम लोगों ने जो ऑयल जिसमें हमने अपनी चिकन स्ट्रिप फ्राई की थी, उसी ऑयल को हम इस्तेमाल करेंगे अपने इस मीडियम साइज के पैन में। और गाइस वो ऑयल जो है वो बहुत फ्लेवरफुल है, उसमें सारे तमाम फ्लेवर है चिकन के। तो हमारे सुपर डिलीशियस किस्म का हमारा ड्रैगन सॉस बनने वाला है। अब इसमें डालेंगे चॉप किए हुए गार्लिक। तो गाइस हमने चॉप किया हुआ लहसुन इसमें डाल दिया और फिर हम डाल रहे हैं चॉप किया हुआ हमारा जिंजर। और बहुत ही जबरदस्त सी खुशबू आ रही है गाइस। और हम इसको जो है वो 2 से 3 मिनट तक सोते रहेंगे, जलाना बिल्कुल भी नहीं है। गाइस चाइनीज रेसिपी में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो किसी भी इंग्रेडिएंट को जलाते नहीं है, क्योंकि जलाएंगे तो हमारी रेसिपी का फ्लेवर खराब हो जाएगा। और हमने इसको जो है वो सोते करना है तमाम चीजों को। गाइस देख लीजिए जबरदस्त है कि हम इसको सोते करें, बहुत खूबसूरत खुशबू आ रही है हमारे लहसुन की, हमारे अदरक की लश पर से खुशबू। बहुत ही जबरदस्त किस्म का औसम उधम पुदम किस्म का हमारा बनने वाला है ड्रैगन चिकन का सॉस। ऐसा ड्रैगन चिकन जो आपने कभी ना खाया हो, और अगर एक बार बनाएंगे तो आप इस रेसिपी को बार बार बनाएंगे आपके मेन्यू में, तो गाइज ये रेसिपी 4 चांद लगा देगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है गाइज, देख लीजिए हमारा अच्छे से जो है वो गार्लिक और जिंजर यानी कि लहसुन अदरक जो हमारा अच्छे से सौते हो गया है। और देख लीजिए मुझे बहुत ही जबरदस्त ये खुशबू आ रही है। और जब आप लोग बनाएंगे अपने किचन में तो आप लोगों को भी बहुत जबरदस्त सी खुशबुएं आएंगी और आप लोग तो वाह वाह करेंगे कि इतनी अच्छी रेसिपी इतनी आसान, और रेस्टोरेंट में हम क्यों खाएं, घर पे बैठ के हेल्दी तरीके से हेल्दी इंग्रेडिएंट्स के साथ क्यों ना एंजॉय करें। तो गाइस देखिए जी हमारा अच्छे से ऑलमोस्ट हमारा गार्लिक जो है सौते हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे अपने स्लाइस किए हुए अनियंस गाइस। तो देख लीजिए हम लोग इसे अनियंस डाल रहे हैं और हमने इनको बारीक नहीं, हमने इसको दरमियाने स्लाइस ही किया है, ना ही ज्यादा मोटा ना ही ज्यादा पतला। हम इसको अच्छे से अपने लहसुन और अदरक के साथ जो है वो सौते करेंगे गाइस। 2 से 3 मिनट हम इसको भी देंगे, ब्राउन बिल्कुल नहीं करना हमने। हमने जो है इसको ट्रांसलूसेंट करना है कि व्हाइटिश इसका टेक्सचर हो जाए और हमारे प्याज थोड़ी सी नरम हो जाए। ठीक है गाइस, तो लश पर सी अब हमारी खुशबू आ रही है हमारे प्याजों की भी, तो बहुत ही जबरदस्त किस्म की हमारी रेसिपी बन रही है गाइस। इतनी आसान, इतनी डिलीशियस, इतनी लाजवाब कि आप बहुत खुश हो जाएंगे अगर आप मेरी तरह चाइनीज फूड के फैन हैं। ठीक है गाइस, देख लीजिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हमारे प्याज जो है वो ट्रांसलूसेंट हो चुके हैं, थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं और हम इसको सौते कर रहे हैं 2 से 3 मिनट तक। चाइनीज रेसिपीज गाइस बहुत ही ईजी होती है, बहुत ही आसान होती है, बस उसमें टेक्निक्स होती है जो आपको याद रखनी होती है। ठीक है गाइस, आप लोग देख सकते हैं अब हम उसके डालेंगे अपने मसाले जिसमें हमारे पास है सॉल्ट। हम लोग सॉल्ट इस्तेमाल करें 1/2 चाय का चम्मच हमारा सॉल्ट है यानी कि नमक। ठीक है गाइस, फिर हम डालेंगे इसके नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो के है हमारा क्या है, ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काले मिर्च पाउडर, ये भी हम 1/2 चाय का चम्मच डालेंगे गाइस इसके अंदर। ठीक है, फिर हम इसके अंदर डालेंगे गाइस चाइनीज सॉल्ट, ये भी हम डालेंगे 1/2 चाय का चम्मच। ठीक है गाइस, और फिर हम डाल रहे हैं इसके नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो कि हमारा रेड चिली फ्लेक्स, ये हम डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून में डाल दिया है गाइस। तो ये रेड चिली फ्लेक्स जो है हमारे इस ड्रैगन सॉस को वाकई में ही ड्रैगन का फायरी इफेक्ट देंगे। अब हम डाल रहे हैं इसमें टोमेटो केचप। टोमेटो केचप जो है गाइस हमने इसके अंदर 4 से 3 चम्मच भर के डाले हैं हमने टोमेटो केचप के। और फिर हम डाले इसके अंदर रेड चिली सॉस, ये हम डाल रहे हैं इसके अंदर 3 चम्मच के करीब, 3 टेबलस्पून गाइस, तो ये हमने डाल दिया है। ओके, और फिर हम क्या करेंगे, मिक्स मिक्स मिक्स। तो गाइस हम मिक्स कर रहे हैं अपने इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हमारे लहसुन अदरक और अनियंस के साथ। जबरदस्त किस्म के हमारा सॉस बन रहा है हमारे ड्रैगन चिकन के लिए, जबरदस्त ड्रैगन सॉस लश पश सा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, सुपर इजी सुपर आसान और औसम किस्म की हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी तैयार हो रही है गाइस। तो हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ठीक है गाइस, तो आप लोग देख लीजिए जबरदस्त किस्म मिक्स हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम वही पैन में जो थोड़ा सा ऑयल बच गया था गाइस, इसमें हम डालेंगे अपने हमारे बेल पेपर जो कि रेड ग्रीन और येलो स्ट्रिप्स में हमने कट किए थे, ये डालेंगे गाइस सारे डाल किए। और फिर हम क्या करेंगे बताइए फिर हम करेंगे इनको थोड़ा सा सौते, हम इनको 2 से 3 मिनट तक सौते करेंगे गाइस। हमने पकाना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये बहुत जल्दी पक जाती है बेल पेपर। हम जस्ट इसको थोड़ा सा सौते करेंगे ताकि हम फटाफट से ड्रैगन चिकन में डाल के फटाफट से हम अपनी ड्रैगन चिकन
बना लें। ठीक है गाइस, तो हम देख लीजिए इसको अच्छे से हम सौते करेंगे 2 से 3 मिनट तक। देख लीजिए गाइस जबरदस्त किस्म से हमारे जो है बेल पेपर अच्छे से सौते हो चुके हैं, जबरदस्त खुशबू आ रही है और कितना ही खूबसूरत कलर, वाइब्रेंट किस्म का। अब गाइस हम उसी पैन में डालेंगे हमारे रफली कट किए हुए काजू यानी कि कैश्यूज। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं गाइस ये कैश्यू जो है वो हमारे इस डिश की जान है। इसको हम अच्छे से जो है वो थोड़ा सा रोस्ट करेंगे थोड़े से ऑयल के साथ, क्योंकि मैं हल्का सा ऑयल है। देख लीजिए गाइस हमारे जो कैश्यू है यानी कि काजू अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, जलाना बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम डालेंगे क्या, अपने बेल पेपर। सो गाइस जो हमने पहले से रोस्ट किए हुए थे, पहले से सौते किए हुए थे हमारे बेल पेपर, उसको हम इसमें डालेंगे और जस्ट 1 मिनट के लिए हम इसको हल्का सौते और करेंगे, बिल्कुल तेज आंच पे, हल्की आंच पे कोई भी काम नहीं करना हमने इसमें। ठीक है, तो देख लीजिए हमारा अच्छे से तैयार हो गया, साइड पे रख लेते हैं। अब हम चलते हैं अपने सॉस की तरफ दोबारा से गाइस। तो सॉस जो है हमारा ऑलमोस्ट तैयार है और आप लोग देख सकते हैं कि ऑयल सरफेस पे आ चुका है। अब हम बना रहे हैं कॉर्नफ्लोर की स्लरी। तो कॉर्नफ्लोर की स्लरी गाइस बेसिकली हम बनाते हैं पानी के साथ। हमने 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है और उसके अंदर हम डालेंगे 1/2 कप के करीब थोड़ा सा पानी और उसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स 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 जितना अच्छे से करेंगे उतनी ही जबरदस्त किस्म की हमारी स्लरी बनेगी। और याद रखिए गाइस कि आप लोगों की इस स्लरी में बिल्कुल भी लम्ब्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी कोई भी गुठली नहीं होने चाहिए। देख लीजिए हमारा अच्छे से जो है हमारा कॉर्नफ्लोर की स्लरी रेडी है। ओके, आप लोग देख सकते हैं और ये स्लरी जो है बेसिकली हमारे ड्रैगन सॉस को थिक करेगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, इसी तरह सॉस की तरफ चलते हैं। अब इसमें डालेंगे हम 1 कप के करीब भर के डालेंगे पानी ताकि हमारा जो है वो सॉस की ग्रेवी बन जाए गाइस, क्योंकि ग्रेवी के बगैर तो हमारा सॉस इनकम्प्लीट है। ठीक है गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं जितना अच्छा सॉस बनेगा हमारा, जितनी अच्छी ग्रेवी बनेगी गाइस, उतना ही जबरदस्त किस्म का हमारा बनने वाला है ड्रैगन चिकन। तो गाइस देखिए जब हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और पकाएंगे थोड़े 2 से 3 मिनट तक ताकि हमारा जो ये पानी है हमारे सॉस से अच्छे से घुल मिल जाए। तो गाइस देखिए जबरदस्त किस्म की बबल्स बन रहे हैं, हमारे सॉस रेडी है। अब इसके अंदर हम डालने वाले हैं अपने कॉर्नफ्लोर की स्लरी, तो हमें डाल दी है और थोड़ा थोड़ा करके हम डाल के इसको चम्मच चलाएंगे गाइस और मिक्स करना है अच्छे तरीके से ताकि हमारे कोई भी गुठली ना बन सके, अच्छे से हमारा एक वेल कम्बाइंड किस्म का थिक सॉस तैयार हो जाए। तो गाइस देख लीजिए हम अच्छे से इसको मिक्स कर रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही है, लशपश किस्म हमारा ड्रैगन सॉस तैयार होने वाला है फाइनल स्टेजेस पे गाइस। देख लीजिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है विस्कर की मदद से और हमारा ड्रैगन सॉस तैयार है गाइस। जबरदस्त किस्म का उधम, स्पाइसी, तीखा, मीठा, टैंगी सब फ्लेवर हैं इस ड्रैगन सॉस में। अब इसके अंदर डाल रहे हैं अपने सौते किए हुए बेल पेपर्स और हमारे कैश्यू और फिर हम डाल रहे हैं इसके अंदर अपनी डबल फ्राइड चिकन स्ट्रिप्स गाइस। देख लीजिए कितना जबरदस्त खूबसूरत सा लुक है हमारे इन तमाम इंग्रेडिएंट्स का, हमारे चिकन का, हमारे बेल पेपर्स का, हमारे कैश्यू का और हमारे उधम से ड्रैगन सॉस का। अब गाइस हम तमाम चीजों को अच्छे से आपस में मिक्स करेंगे, अच्छे से कोट करेंगे। देख लीजिए गाइस हमारा ड्रैगन चिकन तैयार है लशपश सा। इसको हम गार्निश करेंगे कुछ ग्रीन अनियंस के साथ, हरे भरे ग्रीन अनियंस जबरदस्त रिफ्रेशिंग फ्लेवर देंगे ये गाइस ग्रीन अनियंस। फिर हम डालेंगे इसके अंदर क्या, ड्रैगन चिकन की मेन इंडियन जो के है हमारा सेसमी सीड यानी कि तिल। हम थोड़े से तिलों के साथ अपने ड्रैगन चिकन को गाइस गार्निश कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो हमारा जबरदस्त किस्म का रेस्टोरेंट स्टाइल चाइनीज ड्रैगन चिकन तैयार है। आप इसको जबरदस्त किस्म से गर्मा गर्म व्हाइट चावलों का सर्व कीजिए, लशपश सा एंजॉय कीजिए, गर्मा गर्म, ठंडा बिल्कुल मत होने दीजिएगा। मेरा ये ड्रैगन चिकन जबरदस्त किस्म का आप लोगों को कैसा लगा गाइस मुझे बताइए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए गाइस। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं फिर एक और नई रेसिपी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, लव यू ऑल, बाय।